दिल्ली मुंबई जैसे बड़े शहरों में एक बड़ा तबका ऐसा होता है जिसकी रोज की कमाई बहुत कम होती है। इनमें अधिकतर रिक्शा चलाने वाले, ठेली लगाने वाले, हॉकर्स और दिहाड़ी मजदूर होते हैं। साथ ही शहरों की ओर पलायन इस संख्या को लगातार बढ़ा रहा है। योजना आयोग के NSSO के सर्वेक्षण के अनुसार शहरी गरीब औसतन 23 रुपये प्रतिदिन में अपना गुजारा करता है। ऐसे में एक बड़ा तबका शहरों में स्वच्छ रिहाइश, स्वास्थ्य, शिक्षा, अच्छी जीवन शैली और आर्थिक संपन्नता से महरूम रहता है। योजना आयोग की सचिव सिंधुश्री खुल्लर का मानना है कि सरकारें इस चुनौती से निपटने के लिए योजना तो बनाती हैं, लेकिन स्थानीय निकाय और राज्य सरकारें इसका फायदा नहीं उठा पाती। क्या SCP को खर्च नहीं करना जुर्म है, ये हम पूछना चाहेंगे। जुर्म नहीं है, ये हक है। अगर नहीं होता है तो हमको उसको ठीक से करना चाहिए, लेकिन इशू इज ओपन। राज्य सरकार ने ये एक राजनीतिक मामला बन गया है, राजनीतिक मुद्दा बन गया है। I think the appropriate, if you say bottom up, then let's leave the solution to the urban local body and institutionally try to make that body stronger. शहरी गरीबी के क्षेत्र में काम करने वाले गैर सरकारी संगठनों का मानना है कि इन चुनौतियों से लड़ने में स्थानीय निकायों या म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की अहम भूमिका होनी चाहिए। म्यूनिसिपैलिटीज को नहीं मिला। अब पार्टली तो सिचुएशन ये है कि दो मंत्रालय हैं, वो उसके बीच में कभी कोल्यूशन नहीं हो रहा है। हम भी उसी पार्टी के हैं जिस पार्टी की राज्य सरकार है, फिर भी नहीं हो रहा है। तो इसमें कुछ स्ट्रक्चरल, कुछ प्रोसीजरल इश्यूज भी इन्वॉल्व है। तो मेरा सजेशन ये है कि अगर प्लानिंग कमीशन के स्तर पर एक कोई इनिशिएटिव हो, कंसल्टेटिव इनिशिएटिव, थिंकिंग इनिशिएटिव। शहरी गरीबों को रिहाइश, पानी, स्वच्छता, शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा और रोजगार जैसी कई समस्याओं से जूझना पड़ता है। ऐसे में जरूरत है कि विभिन्न योजनाओं का सही क्रियान्वयन हो, ताकि आर्थिक संपन्नता का फायदा शहरों में रहने वाले सभी लोगों को मिल सके। चंद्रशेखर जोशी, DD News, दिल्ली।